अरे 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 लड़ रहे हैं ब्रो। अरे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं हूँ बहुत सारे कबूतरों के साथ। बहुत लोग सोचते हैं पिजन कीपिंग हॉबी बहुत ज्यादा ना सीक्रेटिव है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। जो लोग इस हॉबी में हैं सिर्फ उनको ही पता है इसके बारे में, और लोग समझते हैं ये बहुत ज्यादा क्रुएल्टी होती है। लोगों को नहीं पता लोग कबूतर कैसे रखते हैं, क्या होता है असल में कबूतरबाजी। और आज मैं आपको मिलाता हूँ हमारे एक बहुत ज्यादा प्राउड वॉलंटियर, बहुत बढ़िया रेस्क्यूअर और हमारे कबूतरबाज। एवरीबॉडी, आपने देखा होगा इसको मेरे वीडियोस में, स्नेक रेस्क्यू की वीडियोस में, जो ब्रीड्स होती है ना कबूतरों की, उनको देसी भाषा में बहुत अलग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नाम अलग, मैनादार सुरका। सुरका इसका कलर है, जो इसकी नस्ल है ना वो है मैनादार। एवरीबॉडी यू कैन सी, ये आप जो नीचे लेयर देख रहे हो इनकी बीट की लेयर, ये सर्दियों में बहुत ज्यादा होनी चाहिए वरना इनको बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है। दे आर लुकिंग क्वाइट क्यूट राइट नाउ, ये देख रहे हैं ऐसे, क्योंकि अभी इनका बाहर आने का टाइम है। और कुछ कबूतर हैं जो कि अंदर अभी भी कंफर्टेबल हैं, तो ये यहाँ पे घोंसला भी बना लेते हैं इसके अंदर। कोनों में घोंसला बना लेते हैं ना, बड़े बड़े देखो। अच्छा, फिर तू इनको शिफ्ट कर देता है? नहीं, तो वो नीचे करते। ये सेंटिनेंट है क्या? अगर साफ कर दो, जगह ही नहीं होगी ना तो खुद ही अंदर निकल। सो एवरीबॉडी, ये पहला कबूतर जिसकी ब्रीड मुझे पता थी। एवरीबॉडी, जो आप ये वाला कबूतर देख रहे हो, ये दिस वन, हाँ, इसको, ये पाकिस्तानी है, ये कबूतरों की दुनिया का पाकिस्तानी बोली है। तो ये ब्रीड पाकिस्तान से होती है वाली। उनाबिया कहते हैं। उनाबिया, अरे भाई ये बड़ा बढ़िया नाम है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे अभी बाहर निकल चुके हैं और भी हैं अंदर, दे आर इनसाइड। और ये वाली हॉबी से मैं बहुत दूर हूँ, तो इसलिए मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये सब देख के। मैं हर बार इसे पूछता रहता हूँ कबूतरों के बारे में ना, ऐसे एक्साइट हो के। मेरे पास दो थे पहले, जो कि मेरे पास वो थे फैंटेल्स, लके थे दो ना, सुंदर थे वो काफ़ी, उनका हाँ बहुत ही सुंदर थे वो। फिर मैंने किसी को दे दिए थे क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एज यू कैन सी, इतने ज़्यादा प्यारे कबूतर होते हैं ये, एंड आई वुड लव टू हैव कबूतर ऐसे जो कि इतने टेम्ड हो। ये खा रहे हैं अभी बाजरा। अच्छा, इसमें कुछ मिलाते भी हैं बाजरा में? पानी इसलिए डाल देते गर्मियों में ताकि गला तर रहे इनका। ओके, प्यास लगे तो। हाँ, कहीं पानी नहीं पीता ना कबूतर प्यासा होने के बाद भी। तो वो जो कहते हैं कि सर्दियों में कुछ और खिलाते हैं और गर्मियों में कुछ और, वो वाला क्या सीन होता है? एक आता है बाजरा 25 रुपए किलो वाला। हाँ, है ना, उसमें okay. कूड़ा कचड़ा। हाँ, जैसे डॉग फूड वाला, जैसे डॉग फूड वाला है ना। खिलाते हैं 55 रुपए किलो का बाजरा। अच्छा, ओके, तो ये 55 किलो का होता है। अगर वाला तुम बाजरा डालोगे ना, पानी ऐसा हो जाएगा जैसे एकदम काला। अच्छा, जैसे नालियों का पानी होता है। अच्छा, ये ज्यादा रिफाइंड होता है। बढ़िया यार, ये बेचारा वेट कर रहा है। ये कौन सा कबूतर है? पटेत कबूतर। पटेत, कितना टाइम हो गया इसको? ये तो अभी हाल फिलहाल में आए, 20 कबूतर आए थे। तो ये उनमें से है? हाँ, मेरठ से आए थे ना कबूतर 20। ओके, और ये इतनी टेम पहले से है या फिर ये अभी हुई है? ये पहले डरती थी। अच्छा यार, ये तो बड़ी, मतलब ये तो बहुत अच्छा। सो दैट्स हाउ, इस वजह से ना मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, यू नो, सारी हैंडलिंग ये सब वाइल्ड लाइफ अंडरस्टैंडिंग में बहुत बढ़िया होती है। आजकल तो वैसे मैं इसको भी लेकर जाता हूँ अपने साथ जंगलों में। और यहाँ पे हमारे मिस्टर सुशांत सिंह, अरे इधर तो देख, तो हाय हेलो तो बोल दे। अरे सो एवरीबॉडी, ये होती है इतनी सारी जड़ी बूटियां जो इनको दी जाती हैं, और ये सब बेचारे इतने एक्साइटेड होके मेरे आसपास घूम रहे हैं। दे आर वेरी स्वीट। ओए ओए, ऊपर नहीं यार, ये वाली तो ज्यादा ही फ्री हो रही है यार। अच्छा, आप नए हो तुम भी? ओए ओए, वाह यार, वाह यार, अरे मेरे हाथ पे बैठ गई वो। ओए यार, बड़े प्यारे हैं यार, बड़े प्यारे हैं यार ये तो। अरे मैं नहीं दे रहा भाई, देखो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, इट्स ओके।
अगर हम पिजन कीपिंग को दूर से देखें तो ये कैटेगराइज्ड है दो तरीके के लोगों में, जिसमें पिजन कीपर्स आते हैं जो कि पिजन्स को उड़ाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो कि पसंद करते हैं फैंसी पिजन ब्रीड्स। फैंसी पिजन ब्रीड्स वो होती हैं जिनका इम्पोर्टेंस दिखने में ज़्यादा होता है, उड़ने में नहीं, और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है उनकी खूबसूरती से। उनको कई सौ सालों में सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके बनाया गया है, और कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। काफ़ी सारी पिजन कीपिंग को लेके मान्यताएं हैं, पर वो सब इसीलिए हैं क्योंकि ये बहुत अंडरलाइंग हॉबी है, ये सबके सामने नहीं आते लोग, और इनके एब्रिवेटिव्स इतने ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स इतनी ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं कि वो समझ में नहीं आती। नस्लों का क्या है ना, पहले भाई कलर आता है, कलर जो है देखो कलर ये है इसका मक्सी, इसे कहते हैं मक्सी, और जो ये ज़्यादा वैसा है इसमें जंगली टाइप में भी होते हैं, पर ये जो ऐसा है इसे कहते हैं हैदराबादी। हैदराबादी लाल आँख है तो ये है गोला, सफ़ेद आँख है तो कावली। आँखों में बहुत तरीका फ़र्क होता है, हल्की हल्की बारीकी पड़नी पड़ती है। हे और एवरीबॉडी, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा है, ज़्यादा सुंदर है ये, एज यू कैन सी ये हैदराबादी मक्सी है, धैयड़ इसको इसको बोलते हैं, हैदराबादी मक्सी सबसे हाई रेसर है। अच्छा रेसर, अच्छा मतलब सबसे ऊपर उड़ने वाले कबूतर होगा। ये अपनी माँ पे गया, इसकी माँ भी ऐसी है। अच्छा ये कितना कितना बड़ा बच्चा है ये? ये है तुम्हारा 12 दिन का। 12 दिन? अरे 12 दिन का तो काफी अच्छी ग्रोथ होगी। जो भी कबूतरों के बच्चे होने वाले होते हैं तो उनको प्राइवेटली रखा जाता है अलग से, ताकि उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये उन्हीं में से है, एज यू कैन सी हम इंडोर खड़े हुए हैं, तो इनके माँ बाप को स्पेशल डाइट दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, चने दाल रोटी। अच्छा उनसे अलग डाइट होती है? दाल। ओके, तो जो वो वाले कबूतर होते हैं उनसे अलग डाइट होती है। और आप देख ही सकते हो कितनी गर्मी है यहाँ पर, और हम पंखा नहीं चला सकते क्योंकि इस रूम में कबूतर रहते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। 12 दिन का, और ये उड़ना कब स्टार्ट कर देगा ये? इसको रहेगा 6-7 दिन में बाहर आ जाएगा, उड़ने लग जाएगा। और क्या कीमत होती है हैदराबादी मक्सी की? इसकी ये तो रेयर है। रेयर है? कितना रेयर है ये? 4,500 का बच्चा अभी। 4,500? दैट्स क्वाइट, बड़े होने के बाद ज्यादा। दैट्स क्वाइट। सबसे ज्यादा महंगा कबूतर आज तक कितना देखा भाई तुम? मैंने देखा है जो मेरे सामने बिके थे 5 लाख के बिके थे 2 कबूतर। 5 लाख के 2 कबूतर? ओके। जिन्हें कड़ियों बने सिक्के बने हैदराबादी के थे। ये तो नाम भी काफी मुश्किल है भाई बोलना। पूंछ में सिक्के बने होते हैं, कलियों में कड़ियां। अच्छा अच्छा ओके। जैसे सेंटिनेल होते हैं चूहे चंदन, हाँ उनकी तरह होते, पर वो इस नस्ल में होते। सेंटिनेल आर वेरी ब्यूटीफुल, आई लव सेंटिनेल। और वो रीजन ये भी है क्योंकि मुझे उसके अलावा ज्यादा कबूतर का पता नहीं था, एक का ही नाम पता था तो मैं वही बोलता रहता था, बट वेरी ब्यूटीफुल। इनकी आंखों से इनकी नस्ल का पता लगा। अगर आप देखोगे इनकी आंखों से इनका पता लगाया जाता है। ओके, तो ये है मम्मी। ये मम्मी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मम्मी है, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को कबूतर बहुत पसंद है यार, मैं अभी आई होप मैं जल्दी रख पाऊँ, पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूज कुछ ज्यादा ही चलते हैं तो इस वजह से कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग। वेरी ब्यूटीफुल। हम देखेंगे हर धर्मों में कबूतरों के बारे में लिखा है, कबूतरों को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है पिजन कीपिंग हॉबी 5,000 साल पुरानी है। बहुत पहले इनको खाने के लिए पाला जाता था, फिर धीरे धीरे ये शाही पालन के रूप में आ गए, और जितने भी बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो इनको पाला करते थे। As you can see, यहाँ पर आसपास भी ऐसे लोगों ने बहुत सारे सारे ऐसे कबूतर पाले हुए हैं, और तो these guys have a community here. I'm sure जब आप roads पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे ऐसे लोगों को उड़ाते हुए और सीटी बजाते हुए। तो ये सीटी बजाने का क्या राज होता है? सीटी ने पील और मेरी नहीं थी बाज, हाँ उसकी आवाज लगती है क्योंकि बाज इनके शिकारी होते ना ज्यादातर। अच्छा तो उससे ये, ओके तो उससे ये अलर्ट हो जाते हैं ज्यादा है ना। ओके सही है। और ये अमन के पीछे कबूतर हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही इनको काफ़ी प्यार मिलता है, इस वजह से आई हैव कम टू हिम, वरना और लोगों पे मेरे को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। काफ़ी लोग बहुत गलत तरीके से रखते हैं कबूतरों को ना, कबूतर मानते ही नहीं है वो, इनको मानते हैं कि ये कोई चीज़ है, ब्रीड करो इनको बेचो और बस उस्ताद बनो। अरे वाह भाई वाह, अरे अरे क्या लड़ रहे? तो गाइज ऐसे लड़ते हैं, देखो कबूतर मेरे हाथ में,
अरे बड़ा सुंदर, यही था ना जिसको मैं कल बहुत सुंदर बोल रहा था। अरे अरे शक्ल तो दिखा दे। और यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे बफे चल रहा है कबूतरों का। दिस इज सो गुड। कबूतरों को आप जितना भी खिलाते रहोगे वो खाते रहेंगे, जैसे लैब्राडोर्स होते हैं। तो इसी वजह से ओए लड़ाई हो गई। ओए इसको ज्यादा वो थोड़ा सा ना। ओ वाह यार वाह। अरे 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 ये क्या चल। So look at him guys, ये कौन सा कबूतर है भाई? काला गोला। अच्छा हाँ ये गोला। ओके ये गोला कबूतर है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ब्लैक पे थोड़ा सा ब्राउन है। घर का बच्चा मतलब ये तेरे यहाँ पैदा हुआ है? अच्छा इसका छोटा भाई भी है। अच्छा इसके माँ बाप भी यहीं पे है? अच्छा ओके ओके इसके माँ बाप भी यहीं पर है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे अपने घर पे, ऐसे घर का बच्चा है ये बात बोलनी भी कितनी अच्छी होती है ना। वेरी नाइस यार, जैसे प्राउड फील होता है ना हमें अपने डॉग्स पे और एनिमल्स पे। इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। और ये हमेशा ही एकदम लैब्राडोर की तरह भूखे रहते हैं। तो ओए चलो 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 ठीक है ओके। पिजन कीपिंग एक इंटरनेशनल हॉबी है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं अब। अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो इंडिया में इसको रजिस्ट्रेशन करना, बर्ड रजिस्ट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर साथ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों को जब मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो ये एक दूसरे से पूछ कर और सलाह मशवरा कर कर ही एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और बर्ड का ट्रीटमेंट करते हैं। एवियन वेट्स के कॉन्टैक्ट में आना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है, जो कि इस हॉबी के लिए भी हेल्दी है और आस पास रहने वाले पक्षियों के लिए भी। नहीं पालते ना कबूतरों की, सिर्फ देखभाल करते हैं। आसपास के जितने भी जानवर है जैसे कुत्ते हो गए, पक्षी हो गए, या फिर कौए जैसे मंजे फंस गए, चील फंस जाती है। हाँ, बांझो में बहुत ज्यादा फंस गए। पतंग का सीजन कुछ जारी चल रहा है, कुछ कबूतर भी हमारे उड़ते हुए कट गए थे। हाँ, अभी भी सामने दो पतंगे आके गिरी ना अभी भी। तो इसकी वजह से आसपास के जानवर हम पूरे दिन देखते ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ना एजुकेशन और नॉलेज इसके बारे में। वेरी नाइस। और ये बोले जा रहा है तो ये इकट्ठे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक से दो, दो से तीन, तीन लड़ाइयां चल रही हैं यहाँ पर। तो काफी बार क्या होता है जो ये कबूतर होते हैं ये दूसरे किसी दूसरे के कबूतरों के झुंड में चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं अगर लॉयल होते हैं तो। हाँ। है ना, लॉयल होते हैं तो वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो कबूतर आया उनके साथ वो तुम्हारा। हाँ। तो पूरा कबूतरबाजी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ये है कि दूसरे बंदे के कबूतर हमें अपने पास लाने हैं बाइज्जत। मर्जी है, देना दे दो, नहीं देना मत दो। हाँ मतलब इट्स अ गेम। हाँ है ना। हाँ दुश्मनी तो फिर मना करो। जब हम कबूतर को इस तरीके से पकड़ते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने ना इसकी बॉडी नहीं पकड़ रखी होती, सिर्फ उसके पंख पकड़ रखे होते हैं। और इसके पंजे जब मुड़े ना या कुछ हो, इसलिए हमने पीछे जब ये उड़ते हैं तब भी ये पीछे फोल्ड कर लेते हैं ताकि इन्हें आराम लगे। और ऐसे हमने इन्हें पीछे फोल्ड करके पकड़ते हैं जब भी पकड़ते हैं। अच्छा इसको मैं हाथ लगा रहा हूँ तो इसको दिक्कत हो रही है, वरना ये एकदम थोड़ा सा चिल है अभी। अरे 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 चलो उड़ा दो उसको। इसको अपने दोस्तों के पास जाना है। ये रहे इनके दोस्त। ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों से ज्यादा, सफाई, काजू बादाम और भी काफी घी जो मतलब हम लोग बाग अपने बच्चों को नहीं खिलाते पर इन्हें देते हैं। तो ये हमारे भाई एक और केयर टेकर सुशांत जी। तो जैसा कि आप देखोगे अभी रोशनी नहीं है और ताकि कबूतरों को दाना दिखे तो ये लोग फ्लैश मार के बैठे हुए हैं, विच इज क्वाइट गुड। सुशांत भाई तेरे लिए कबूतर क्या है? भाई कबूतर भाई जैसे किए ना कबूतर पालना तो इंसान है ना नीचे की दिक्कतों से ना जो भी परेशानी होती है 2 घंटे के लिए भूल जाता है बिल्कुल। अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस। आप छत पे चढ़ोगे, झाड़ू लगाओगे, आओगे, कबूतर खोलोगे, फिर उन्हें देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जन्नत हो गई एकदम। फील आता है एकदम। हर किसी का कुछ ना कुछ एस्केप होता है
जैसे मेरे अभी एस्केप वाइल्ड लाइफ है, ऐसे ही इन लोगों के लिए एस्केप ये है। वेरी ब्यूटिफुल, शाबाश।